अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। के मौके पर कचौरियाँ बहुत लोग पसंद करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की कचौरियाँ हमारे घरों पर भी बनती हैं और बाज़ार में भी अवेलेबल होती है। आज जो हम कचौरी बना रहे हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट है। ये बेक कचौरी है, लो कैलोरी है, बहुत मज़ेदार, बहुत आसान रेसिपी है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी डो तैयार कर लेते हैं। डो को तैयार करने के लिए हमने 2 कप मैदा लेना है। उसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच ड्राई ईस्ट, 1 खाने का चम्मच वेनेगर, 1 चाय का चम्मच नमक और 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और नीम गरम पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसे गूंद लेंगे। तकरीबन 1.5 कप नीम गरम पानी हमने इसमें यूज़ किया है। तो व्यूवर्स, डो हमने गूंद ली है। अब इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हम तन्हा छोड़ देंगे ताकि ये अपना साइज़ डबल कर ले और तब तक हम इसकी मज़ेदार सी क्रिस्पी कचौरी की फिलिंग तैयार कर लेंगे। हम इसमें बीफ का कीमा यूज़ करेंगे। आप चाहें तो चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मुझे तो पर्सनली बीफ की कचौरियाँ बहुत पसंद है, इसलिए हम आज बीफ ही को इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए व्यूवर्स, हम एक पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल ऐड कर लेते हैं और 2 दरमियानी प्याज जो हमने चॉप कर ली थी उसको भी फ्राई करेंगे। और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ उसे सॉफ्ट करना है। जैसे ही प्याज सॉफ्ट होती है हम इसमें 1 पाव कीमा शामिल कर लेंगे। इसको अच्छी तरह प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही कीमा अपना कलर चेंज कर लेगा हम इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा और हसबे ज़ायका नमक शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। 4 से 5 मिनट इसको भूनना है और फिर पैन को कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर कीमे को गला लेंगे। बीस मिनट बाद हमने देखा कि कीमा गल गया है और पानी भी खुश्क हो गया है, तो हम इसमें 1 खाने का चम्मच मैदा शामिल करेंगे और साथ ही 3 से 4 खाने के चम्मच दूध शामिल करके कीमे को थोड़ा सा क्रीमी कर देंगे। हम चाहते तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते थे,
लेकिन हर चीज़ में चीज़ ज़रूरी नहीं होती। कुछ लोग अपनी हर रेसिपी में चीज़ ऐड करके उसको खींच खींच कर उसमें अट्रैक्शन पैदा कर देते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हम रेसिपी मज़ेदार करें, ना कि उसका लुक और थंबनेल। खैर, कीमा हमारा रेडी है और ये देखिए कि डो भी बहुत अच्छे से राइज हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देंगे और इनके पेड़े बना लेंगे। अब हमने इसका पफ बनाना है, इसके लिए हम पेड़े को बहुत पतला बेल लेंगे। फिर उस पर बटर या घी लगाएंगे और थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। मैंने इसमें बटर यूज़ किया है। अब इसको दोनों तरफ से इस तरह फोल्ड करना है और फिर से बटर लगाना है और मैदा डस्ट करना है। एक बार और इसको फोल्ड करेंगे और फिर से बटर लगाएंगे और मैदा डस्ट करेंगे। इस बार हमने इसको रोल करना है। देखिए, इसी तरह से रोल कर लेंगे और जो बाकी के पेड़े हैं उनको भी सेम इसी तरह से बेल कर फोल्ड कर तैयार कर लेंगे। 4 पिनव्हील आपके तैयार हुए थे। हमने चारों को बीच से कट कर लेना है, तो इस तरह 8 कचौरियाँ तैयार हो जाएंगी। अब आपने इस तरह से पेड़े को उंगलियों की मदद से फैलाना है और इसमें कीमे की फिलिंग भरनी है। हमने आसानी के लिए इसको एक लो हाइट वाले बाउल में रखकर फिल किया है। देखिए, इस तरह हम कीमे को फिल कर लेंगे और इसको बंद कर देंगे। इसी तरह आपने तमाम कचौरियों को फिल कर लेना है और बेकिंग ट्रे को अच्छी तरह ऑयल या बटर से ग्रीस करके उस पर कचौरियों को सेट कर देना है। थोड़ी देर इनको ट्रे पर छोड़ दें ताकि एक बार फिर
राइस हो जाएं, अच्छी तरह सेट हो जाएं। फिर हम इन पर फेटे हुए अंडे का ब्रश कर लेंगे और पहले से गरम ओवन में 200 डिग्री पर 40 मिनट्स बेक कर लेंगे। अगर आपको लगे कि टॉप पर कलर थोड़ा अच्छा नहीं आया तो कुछ देर, ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट इसको ऊपर से ग्रिल ऑन कर लें। मज़ेदार क्रिस्पी लो कैलोरी लो ऑयल बेक कीमा कचौरी तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मेरी पूरी कोशिश होती है रेसिपी को डिटेल में बताऊं, कोई स्टेप मिस ना करूं। मगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन, कोई रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई करें और अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।